हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हेल्थ केयर एनालिटिक्स यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 6 मेजरिंग हेल्थ केयर क्वालिटी। और ये हमारा है लेक्चर नंबर 2 हॉस्पिटल वैल्यू बेस्ड परचेजिंग प्रोग्राम। तो हम देखते हैं कि हॉस्पिटल वैल्यू बेस्ड परचेजिंग प्रोग्राम ये होता क्या है और इससे हमारे को कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आ सकता है वो है एक्सप्लेन अबाउट द हॉस्पिटल वैल्यू बेस्ड परचेजिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो हॉस्पिटल वैल्यू बेस्ड परचेजिंग प्रोग्राम है जिसके बेसिस पे हॉस्पिटल्स को इंसेंटिव और पेमेंट मिलते हैं, वो हमारा क्वालिटी ऑफ केयर पे डिपेंड करता है। मतलब जो क्वालिटी ऑफ केयर जो पेशेंट्स को मिलता है उसके ऊपर हमें हॉस्पिटल को रीइंबर्समेंट मिलता है। तो यहाँ पर होते हैं डोमेन्स एंड मेजर्स। तो हमारे पास टोटल 4 डोमेन्स हैं एंड 20 मेजर्स, मतलब 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस जो हम चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा 20 मेजर्स है जो 4 डिफरेंट डोमेन्स के अंडर आता है। तो सबसे पहला डोमेन है क्लिनिकल केयर डोमेन। तो क्लिनिकल केयर डोमेन में हमें सबसे पहले ये देखना है कि मोर्टेलिटी रेट क्या है हॉस्पिटल्स का। तो ये जो मोर्टेलिटी रेट मतलब है कि अगर एक पेशेंट यहाँ पर एडमिट होता है और उसकी डेथ हो जाती है तो वो उसका मोर्टेलिटी रेट हो गया। तो कितने पेशेंट्स एडमिट हुए और कितने पेशेंट्स की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, तो हम यहाँ का मोर्टेलिटी रेट निकालेंगे। और इसके हिसाब से हमें 6 अलग अलग मेजर्स लेने हैं। तो सबसे पहला है MOT 30, मतलब 30-डे मोर्टेलिटी फॉर पेशेंट्स दैट हैव एक्यूट मायोकार्डिनल इन्फेक्शन। देन सेकेंड टाइप है MOT 30 HF, जिसमें 30-डे मोर्टेलिटी फॉर पेशेंट्स दैट हैव हार्ट फेलियर या फिर निमोनिया या फिर प्रोसीजर्स विथ कॉम्प्लेक्शंस है या फिर पेशेंट्स दैट हैव दिस COPD या फिर पेशेंट्स दैट अंडरगो कॉरनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। तो ये हम 6 अलग अलग पैरामीटर से मोर्टेलिटी रेट निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट डोमेन आता है द पेशेंट एंड केयर गिवर सेंटर्ड एक्सपीरियंस ऑफ केयर डोमेन। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि जो पेशेंट और हॉस्पिटल है इनके बीच में जो कम्युनिकेशन है उसमें कौन से टाइप के कम्युनिकेशंस को हम कंसिडर कर सकते हैं। तो वो हम देखेंगे कम्युनिकेशन विद द नर्सेस, कम्युनिकेशन विद द डॉक्टर्स, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ, देन कम्युनिकेशन अबाउट मेडिसिन, क्लीनलीनेस एंड क्वाइटनेस ऑफ द हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, डिस्चार्ज इंफॉर्मेशन, देन ओवरऑल रेटिंग ऑफ द हॉस्पिटल एंड 3 आइटम केयर ट्रांजिशन। तो ये सारे मेजर्स हमें देखने हैं बेसिकली इन द कम्युनिकेशन बिटवीन द पेशेंट्स एंड द हॉस्पिटल। फिर आता है सेफ्टी डोमेन। तो सेफ्टी डोमेन में हमें बेसिकली देखना है कि हॉस्पिटल और उसका जो इन्वायरमेंट है वो कितना सेफ है पेशेंट्स के लिए। तो ये हमारा सेफ्टी डोमेन में आ जाएगा। अब इसमें हम कौन से मेजर्स हम कंसिडर करेंगे। सबसे पहला आता है कि HCA प्रोग्राम, मतलब हमारा जो HAHRQ कॉम्पोजिट। फिर आता है दूसरा यूरिनरी इन्फेक्शन, देन आता है सेंटर लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, फिर आता है CDI, देन आता है MRSA और इन्फेक्शन SSI एंड इलेक्टिव डिलीवरी प्रायर टू 39 वीक कंप्लीटेड। देन नेक्स्ट डोमेन इज एफिशिएंसी एंड कॉस्ट रिडक्शन डोमेन। तो इसमें हमारा जो हॉस्पिटल का जो केयर है वहां पे हम कितना कॉस्ट को और रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब पर पेशेंट जो हमारा एक्सपेंसेस था उसको हम कहाँ पर थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो हम देख सकते हैं बेस्ड ऑन दीज मेजर्स लाइक मेडिकेयर स्पेंडिंग पर बेनिफिशरी एक्यूट, देन मायोकार्डिनल इन्फ्रैक्शन पेमेंट, देन हार्ट फेलियर पेमेंट एंड निमोनिया पेमेंट। तो ये सारे पेमेंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन अबाउट हॉस्पिटल री एडमिशन रिडक्शन प्रोग्राम। मतलब अगर हम एक बार हॉस्पिटल में गए
और उसके 15 डेज के बाद अगर हम फिर से एडमिट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द सेम प्रॉब्लम और रिलेटेड प्रॉब्लम, तो ये होता है हमारा री एडमिशन। तो हॉस्पिटल्स में जो री एडमिशन प्रोग्राम, री एडमिशन है, वो थोड़ा सा रिड्यूस होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका मतलब ये है कि जब हमने पहली बार एडमिट हुए तो हमें ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिला, इसलिए हमें दोबारा से वो प्रॉब्लम हो गई और हम दोबारा जाकर एडमिट हो गए, तो ये होता है री एडमिशन। अब ये अगर री एडमिशन कम रहेगा, मतलब हॉस्पिटल का जो रेटिंग होता है वो अच्छा होता है, तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल एजेंसीज हॉस्पिटल को क्या करती है, उसके बेसिस पे 3% एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकती है, या फिर उनका जो बिल्स है वो फटाफट से क्लियर कर देगी, बिकॉज यहाँ पे हॉस्पिटल एक बार में पेशेंट एक बार एडमिट होता है तो वो रीएडमिशन का जो रेट है वो थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर हम कौन से कंडीशंस देख सकते हैं, बेसिकली हमारा एक्यूट मायोकार्डिनल इन्फेक्शन है, हार्ट फेलियर, निमोनिया, देन दिस क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, देन नी प्रॉब्लम, देन वी हैव कॉर्नरी और बाईपास सर्जरी। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पर हम अगर रीएडमिट एक बार एडमिट होते हैं और फिर से हम दोबारा जब एडमिट होते हैं तो ये अगर हमारा रेट कम होता है तो डेफिनेटली हॉस्पिटल विल गेट द पेमेंट क्विकली। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन हॉस्पिटल एक्वायर्ड कंडीशन प्रोग्राम। मतलब अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम है जो हमें हॉस्पिटल की वजह से आया है, तो वो हो गया हमारा हॉस्पिटल एक्वायर्ड कंडीशन। तो इसमें बहुत सारे टाइप के डिजीजेस या फिर बहुत सारे टाइप के इन्फेक्शंस हो सकते हैं जो कि हमें हॉस्पिटल के वजह से आए हैं। जैसे ये आया है, इट्रोजेनिक कंडीशन इज दैट वन दैट इज कॉज्ड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट। जब हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन या ट्रीटमेंट हो रहा है उसके वजह से हमें कोई हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम डेवलप हो गई है, या फिर अगर हमारे पास कोई इलनेस है विच इज ड्यू टू विच इज ओरिजिनेटेड एट द हॉस्पिटल, देन ऑल्सो इट इज एन हॉस्पिटल एक्वायर्ड कंडीशन। तो यहाँ पर क्या होता है, हॉस्पिटल इज पिनलाइज्ड 1% ऑफ द टोटल मेडिकल केयर पेमेंट। मतलब अगर वो 1 लाख रुपए रीइंबर्स करने वाली है तो वहां पे कंपनीज क्या करती है, 1% वहां पर डिडक्ट कर देती है, बिकॉज वो जो पेशेंट को जो कंडीशन है दैट इज बिकॉज ऑफ द हॉस्पिटल एक्वायर्ड कंडीशंस। सो इसमें हमारे कौन से कंडीशंस हो सकते हैं वो भी हम देख सकते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राइट व्हाट आर द डिफरेंट हेल्थ केयर एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। सो इसमें कौन से हेल्थ केयर इन्फेक्शंस हमें हो सकते हैं, तो ये हमारा हेल्थ केयर का इन्फेक्शन का लिस्ट है। फिर नेक्स्ट आता है, राइट ओ नोट ऑन पेशेंट सेफ्टी डोमेन। पेशेंट सेफ्टी डोमेन मतलब ये जो हॉस्पिटल है ये पेशेंट्स के लिए कितना सेफ है। मतलब अगर एक पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसको हॉस्पिटल की वजह से कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो वो आगे हमारी सेफ्टी डोमेन के अंदर, तो हम वो स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।